जेलर साहब दीप्ति के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जेल नियम के हिसाब से यदि किसी भी कैदी को फांसी दी जाती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, और इसीलिए अगर तुम्हारी भी कोई अंतिम इच्छा है तो आप बताइए, उसे पूरा किया जाएगा। दीप्ति कहती है कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं एक रात अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूं। जेलर साहब बोलते हैं कि यह तुम्हारी अजीब सी इच्छा मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम्हारी अंतिम इच्छा है इसलिए मैं इसे पूरा जरूर करूंगा और जेल में ही तुम दोनों के लिए कोई अरेंजमेंट कर दूंगा। दीप्ति कहती है कि मुझे अपनी ससुराल में और उसी कमरे में एक रात गुजारनी है जहां मैं पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। जेलर साहब बोलते हैं कि ये इस तरीके की कोई मांग नहीं मानी जाती, लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा है इसलिए इसे अपने रिस्क पर मैं जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि जेलर साहब बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे इंसान थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप सुन रहे हैं एक दिल छू लेने वाली दीप्ति और कपिल की सच्ची कहानी, जो पानीपत के रहने वाले थे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे वाला जो लाल बटन है उसे प्लीज दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसके बाद जेलर साहब उस घर में जाते हैं और उस रूम में जहां पे दीप्ति को अपने पति के साथ एक रात गुजारनी थी, वहां पहले से ही कुछ खुफिया कैमरे लगा देते हैं और माइक्रोफोन, ताकि अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर वो नजर रख सके, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ होने की दिशा में फौरन कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सके। इसके बाद दीप्ति को भारी पुलिस फोर्स के साथ और कुछ महिला कांस्टेबल के साथ में उसकी ससुराल ले जाया जाता है और फिर उस कमरे में भेज दिया जाता है जहां दीप्ति पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। वहां उसके पति पहले से मौजूद था। वो पति के पास जाती है, उसके प्रणाम करती है, पैर छूती है, लेकिन पति उससे बहुत ज्यादा नाराज था और वो उससे बात नहीं करना चाहता। दीप्ति उससे कहती है कि ये मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम कुछ पल मेरे साथ रहो और इसे तुम्हें पूरा करना होगा, लेकिन उसका पति कहता है कि तुम ये कैसे सोच भी सकती हो, इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारे साथ एक रात गुजारूंगा। इसके बाद दीप्ति कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने नहीं बल्कि कुछ सच्चाई थी जो तुमने आज तक मेरी नहीं सुनी। दीप्ति की बात सुनकर कपिल भी थोड़ा भावुक हो जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना इसकी ये पूरी बात सुन ली जाए, और इसके बाद तो इसका जीवन समाप्त होने ही वाला है। और वो कहता है कि ठीक है दीप्ति, तुम जो बताना चाहो बता दो, मैं तुमसे सच में बहुत प्रेम करता था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। दीप्ति कहती है कि यही सच्चाई मैं तुम्हें शुरू से बताना चाहती थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद दीप्ति बताना शुरू करती है कि कैसे एक दिन कपिल अपने दोस्त नरेश को अपने घर लाता है अपनी पार्टी देने के लिए शादी की। इसके बाद वो दोनों बैठ के खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान कपिल के दोस्त नरेश की निगाह दीप्ति पे पड़ती है और वो कहता है कि कपिल, तेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा सुंदर है यार, इतनी सुंदर बीवी कहां से लाया, इससे तो मैं शादी करूंगा, तू एक काम कर इसे छोड़ दे। इस तरीके की बातें करने लगा। फिर धीरे धीरे उन लोगों की आगे बातचीत चलती है। फिर कपिल और नरेश दोनों बैठ के बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कपिल को लगातार नशा कराया जा रहा था लेकिन खुद कम ड्रिंक कर रहा था। जब वो देखता है कि कपिल पूरी तरीके से नशे में हो गया है तो नरेश जाता है और उसकी वाइफ यानी दीप्ति के साथ छेड़खानी करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये सुनकर दीप्ति बहुत गुस्सा होती है और वो उसे अपने पास से भगा देती है और कहती है कि तुम मेरे पति के दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया, आगे से इस चीज का ध्यान रखना। दोस्तों, दीप्ति बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो संस्कारी भी थी और उसकी बोलने में बहुत ज्यादा मिठास थी, इसलिए जो भी उससे मिलता था पहली ही बार में उसकी तरफ खींचा चला आता था और यही वजह थी कि नरेश भी उसके प्यार में पागल हो जाता है। अब जब भी वो देखता कि कपिल घर से बाहर है, पीछे से नरेश पहुंच जाता और फिर से जाके उससे बातें करने लगता। दीप्ति अच्छे संस्कार की लड़की थी, वो कभी भी किसी को दुर्व्यवहार से या गलत व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए जब भी नरेश आता वो उसे बिठाती और चाय भी पिलाती। लेकिन कपिल इस बात से अनजान था। दीप्ति ने एक दिन उसे सारी सच्चाई बताई कि किस तरीके से तुम्हारा दोस्त उस दिन पार्टी में आया था, तब भी मेरे साथ गलत हरकतें कर रहा था, गलत कमेंट्स कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो अक्सर पीछे आता है और मेरे साथ बदतमीजी करता है और इस तरीके की अजीब अजीब बातें करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह सुनने के बाद
कपिल जो दीप्ति का पति था कहता है कि अरे नरेश की तो मजाक की आदत है, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोगों दोस्तों में अक्सर ऐसी हंसी मजाक चलती है। दीप्ति उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ये जो प्रवृत्ति और इसकी संगत है वो बहुत गलत है और उसे नहीं लगता कि वो मजाक में करता है और ऐसा ना हो कि आगे जाके हमारे लिए कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो। लेकिन कपिल इस बात को पूरी तरीके से अनदेखा कर देता है और दीप्ति के पास अब कुछ ऑप्शंस नहीं बचता। दीप्ति के ससुराल के अंदर उसका एक देवर था जो स्कूल में पढ़ रहा था, जिसका नाम बंटी था, और सास ससुर थे जो अक्सर अपने गांव चले जाया करते थे, एक हफ्ता इधर और एक हफ्ता उधर। ये बात नरेश को बहुत अच्छी तरीके से पता थी। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त कपिल किसी काम से बाहर जा रहा है और ये बात पता चलने के बाद नरेश अगले दिन सुबह सुबह ही वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता था कि मम्मी पापा है नहीं, वो गांव गए हुए हैं, कपिल उसका दोस्त बिजनेस टूर पर है और जो उसका देवर छोटा है वो इस टाइम स्कूल में होगा और वो दोपहर से पहले नहीं आएगा। वो उससे मिलता है और कहता है कि दीप्ति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ। दीप्ति को ये बात बहुत बुरी लगती है और इसके बाद वो उसके थप्पड़ मार देती है, कहती है कि अभी तक तो मैं तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर रही थी, सहन कर रही थी, लेकिन अब तुमने सीमा लांघ दी है, तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ गए हो। इसके बाद जो नरेश होता है वो कहता है कि ठीक है, तू प्यार से नहीं मानेगी तो जबरदस्ती मानेगा, और वो फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दीप्ति उससे बच के किचन की तरफ भाग जाती है, नरेश भी उसके पीछे पीछे किचन में चला जाता है और वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और वीडियो बनाने लगता है, कहता है ये वीडियो बनाऊंगा और सबको दिखाऊंगा और अगर तू मेरी बात को इनकार करेगी तो तेरे पति को भी दिखा दूंगा। दीप्ति उससे रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो नहीं मानता और वो उससे लगातार जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। काफी कोशिशों के बाद भी दीप्ति उसके काबू में नहीं आ रही थी। लेकिन इसी बीच उसका जो देवर था बंटी, जो स्कूल में पढ़ रहा था, उसकी किसी कारणवश जल्दी छुट्टी हो जाती है स्कूल के और वो घर आ जाता है। घर आते ही वो दरवाजे पे अपने भाभी के चिल्लाने की आवाजें सुनने लगता है। वो बोलता है कि कौन है, क्या बात हो गई भाभी। भाभी कुछ कहती नहीं है क्योंकि इतने में नरेश उसका मुंह दबा देता है। बंटी क्या करता है, वो गेट को तोड़ के अंदर की तरफ आ जाता है। अंदर आने पर वो देखता है कि उसके पापा का दोस्त नरेश उसकी भाभी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये देखते ही वो उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर दीप्ति को लगता है कि शायद नरेश बंटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए किचन के अंदर रखा हुआ एक नाइफ लेती है और वो सीधा नरेश पर वार करती है। नरेश पहले से ही ये देख लेता है और वो उसका हाथ मोड़ देता है, जिससे चाकू उसके हाथ से छूट जाता है। इधर बंटी लगातार नरेश से लड़ रहा था। नरेश क्या करता है, रुमाल से उस चाकू को उठाता है और बंटी के मार देता है। बंटी के चाकू लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है और नरेश वहां से भाग जाता है और जाके पुलिस को खबर देता है कि इसकी भाभी दीप्ति ने अपने देवर को मार दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके साथ रिलेशन बनाए और वो उसके मना करने के बाद वो इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हवस में उसकी जान ले ली। पुलिस आती है, सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ दीप्ति के खिलाफ होता है। वो पति को सच बताना चाहती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और फाइनली उसको फांसी की सजा हो जाती है। इसके बाद दीप्ति कहती है कि मैं तुम्हें कितना समझाना चाहती थी लेकिन काश तुम मेरी बात सुन। ये बात सुनने के बाद उसका पति विजय कहता है मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, काश कि मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली होती तो आज तुम्हें ऐसा ना होता, और कहता है इसके बाद मुझे माफ कर दो क्योंकि इससे बड़ी गलती तो मैंने करी है, तुमने तो मेरे परिवार को हर तरीके से संभाला था और तुमने तो अपने आप को संभाला था, सब कुछ किया था। इसके बाद दोनों रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेलर साहब और कुछ ऑफिसर्स जो ये सब कुछ बैठ के देख रहे थे उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। उन लोगों को भी बहुत दुख हो रहा था कि एक निर्दोष इंसान के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, जो पाप उसने किया ही नहीं उसकी सजा उसे क्यों मिले। वहां बैठे हुए जेलर अपने ऑफिसर से बात करते हैं, कहते हैं कि मैं किसी भी हाल में इस निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, और वो जाते हैं रूम के अंदर। उसके बाद दीप्ति और कपिल से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी प्रूफ हो, सब कुछ हो, वो मुझे दो, मैं तुम्हें हर हाल में बताऊंगा, मुझे सारी सच्चाई समझ आ गई कि तुम निर्दोष हो। इसके बाद जो जो सबूत हो सकते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं
और जाके कोर्ट में पेश किए जाते हैं। जज साहब उन्हें देखने के बाद एक बार केस को फिर से रीओपन कर देते हैं, केस खोल देते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, और जांच में पाया जाता है कि बहुत सारी खामियां थी। इसके बाद जो नरेश का मोबाइल था वो जब्त किया जाता है, फोर्ट सैनिक में जाता है, वहां पर उसकी जांच की जाती है, जांच में वो वीडियो बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि वीडियो लगातार चल रही थी इसलिए उनमें लड़ाई झगड़े की बातें, कुछ फोटोज भी और आने की आवाजें, सारी चीजें, मारने की सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, और इसके बाद कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए जज साहब अब दीप्ति को आजाद कर देते हैं और नरेश को गिरफ्तार करके उस पर केस चलने लगता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना।